अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां नई गढ़ी जनपद पंचायत के हड़िया ग्राम पंचायत में लोगों ने महात्मा गांधी को याद करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का किया ऐलान। पूरा मामला नई गढ़ी जनपद पंचायत के हड़िया ग्राम पंचायत से, जहां के ग्रामीणों ने गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी को याद करते हुए नमन करते हुए पंचायत में किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करने का संकल्प लिया है। हड़िया ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का कहना है कि हमारे ग्राम पंचायत में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। पंच परमेश्वर योजना सहित वृक्षारोपण जैसे अनेक योजनाओं पर पतीला लगाया गया है। ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जनपद पंचायत से नियुक्ति इंजीनियर पर भी सवाल खड़े किए हैं। अब देखना यह होगा कि कब ग्राम पंचायत हड़िया की निष्पक्ष तरीके से जांच होगी और ग्रामीणों को न्याय मिल पाएगा, या इसी तरह भ्रष्टाचारियों द्वारा शासकीय राशि को आहरण कर अपनी जेब भरते रहेंगे। जो ग्राम पंचायत हड़िया है, जनपद पंचायत नई गढ़ी है, इसमें लगभग 1 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है जी, जिसकी जानकारी RTI के द्वारा कुछ आवेदकों के द्वारा ग्रामवासियों के द्वारा निकाली गई, लेकिन उसकी जानकारी भी नहीं दी गई और अवैध पत्र भेजा गया भूतपूर्व सचिव के द्वारा श्रीमती प्रभा तिवारी, उसमें 18,000 रुपयों की डिमांड भी की गई, लेकिन आज दिनांक तक कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके लिए प्रथम अपील भी की गई माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय के समक्ष, जिस पर उन्होंने भी कोई आज तक जवाब नहीं दिया है। इस पर मऊगंज अनुविभागीय अधिकारी का भी आदेश था कि 7 दिवस के अंदर इनको मतलब जानकारी दिलाई जाए, लेकिन उस उनके आदेश की भी अवहेलना की गई है माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय जनपद पंचायत नई गढ़ी के द्वारा। तो क्या क्या भ्रष्टाचार किए गए हैं, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है? इसमें मुख्य रूप से पंच परमेश्वर योजना जो है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार किया गया है। जैसे बाउंड्री वाल का निर्माण उसमें सम्मिलित है, उसकी गुणवत्ता है, ये पंचायत भवन आप देख रहे हैं, इसकी गुणवत्ता भी बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब गुणवत्ता तरीके से बनाई गई है। चबूतरे का निर्माण है जो पहले से ही निर्माणाधीन था, तो उसमें 2-4 बोरी सीमेंट का लेप लगाकर उसमें लाखों रुपए का गबन किया गया है। चूँकि ये 7 साल से वाकिया चल रहा था, आप भी इसी ग्राम पंचायत की निवासी हैं, इसके पहले भी क्या आप लगातार विरोध करते आए हैं या फिर जैसे व्यवस्था परिवर्तित हुई तो आप विरोध करना चालू किए? ये हमारी 2 साल से मतलब जांच हम करवाने के लिए डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे मनरेगा SDO आई थी और जनपद की उपयंत्री जी आई थी, उन्होंने भी जाँच करके गई हैं यहाँ से और पंचनामा तैयार करके यहाँ से गई हैं। अब देखिए उसमें क्या कार्रवाई होती है। अभी आप क्या मांग करना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं कि इसकी जो भी मतलब जांच है वो निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, इसमें कोई भी रिश्तेदारी नहीं निभाई जानी चाहिए। पूर्व में जब भ्रष्टाचार का आप आरोप लगा रहे हैं, उस समय सरपंच कौन था, सचिव कौन थे, रोजगार उस पर जब भूतपूर्व सरपंच थे श्रीमान गया प्रताप सिंह जी थे और सचिव थी श्रीमती प्रभा तिवारी जी और सहायक सचिव थे शैलेंद्र कुमार पांडे जी। इन्हीं सबके सामने भ्रष्टाचार हुआ आपका? हाँ, कहना है। और इसमें जनपद के अधिकारी भी सम्मिलित हैं, क्योंकि क्यों क्या समस्याएं हैं सर? हमारे यहाँ समस्याएं ये हैं कि जैसे सामुदायिक वृक्षारोपण का कार्य है, मेड़ बंधान का कार्य है, सामुदायिक शौचालय भवन है और अनेकों ऐसे कार्य हैं जो जनहित के लिए किए गए हैं, पर हमारे ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय भवन बना हुआ है जिसका मनरेगा SDO ने अंदर प्रवेश करके निरीक्षण किया है, वहाँ आए दिन ताला बंद रहता है। आज 2 दिनों से जब हम लोग लगातार व्यापक आंदोलन कर रहे हैं तब उसका ताला खोला गया है। आप वहाँ जाएंगे इतनी गंदगी है कि कुछ कहने को नहीं। फर्जी मास्टर रोल, यहाँ सामुदायिक वृक्षारोपण के लिए 54,720 रुपये आहरित कर लिए गए हैं, जिसका साक्ष्य मनरेगा SDO ने स्वीकार किया। उसमें अभी बताया जा रहा है कि स्थल पर कहीं नहीं है, वो वृक्षारोपण के नाम पर राशि आहरित कर ली गई, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत कुछ और है, जमीन में काम नहीं हुआ, जमीन में काम नहीं हुआ। यहाँ मास्टर में हितग्राही के नाम से पैसे आहरित कर लिए जाते हैं, हितग्राही को कोई पता नहीं कि हमारे नाम से मास्टर है। जब एक ऐसी व्यवस्था है कि बैंक से पैसा बिना हितग्राही नहीं निकल पाता, फिर ऐसे कैसे संभव हो रहा है सारी चीज़ें? इसमें अभी हमने पंचायत सचिव से जब इस बात पे बात किया तो उन्होंने कहा कि हम आपको डेटा दे रहे हैं, तो जब 10 से 15 मिनट तक उन्होंने लैपटॉप को खोला उसके बाद हमें कोई भी डेटा नहीं दिया। और वो क्या नाम है सचिव का?
हमारे जो सचिव हैं वो हैं अनिल मिश्रा जी और सहायक सचिव हैं जो शैलेन्द्र पांडे जी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम दिव्यांश पांडे है।